पाले में करने के लिए दिया नया नारा कि हिंदी भाषी संघ दीजिए। बंगाल के अन्य हिस्सों की भांति आसनसोल में भी लगा खेल होबे का नारा। बानपुर की 8 नंबर बस्ती के एक घर में आग लगने से अफरा तफरी। अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके लिए समाज के वर्ग को आकर्षित करने और उन्हें अपने पाले में करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस चुनाव के पहले बंगाल में हिंदी भाषियों को भी आकर्षित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने काफी पहले से प्रयास तेज कर दिया है। यह पहली बार है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने बंगाल के हिंदी भाषियों के लिए अलग से प्रकोष्ठ का गठन न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि जिला और मंडल स्तर पर किया है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी और मंडल पदाधिकारियों के नामों की सूची एक बैठक में जारी की गई। इस बैठक में प्रकोष्ठ से जुड़े लोग मौजूद थे। उषा ग्राम के अग्निकन्या भवन में हुई इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने बंगाल के हिंदी भाषियों के लिए एक नया नारा दिया, दीदी संग हिंदी भाषी। हिंदी भाषी संग दीदी, ये स्लोगन पार्टी ने दिया है और हिंदी भाषी लोगों को दूसरा स्लोगन देना है कि दीदी संग हिंदी भाषी। ये हमें करना है, हिंदी भाषी संग दीदी, ये पार्टी का स्लोगन है और हिंदी भाषियों का दूसरा स्लोगन देना है कि दीदी संग हिंदी भाषी। ये हमें करके दिखाना है और ये धरातल पर करके दिखाना है। चुनाव के समय नीचे उतर कर ये हमें करके दिखाना है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जिला कमेटी में भी जितने योग्य लोग हैं इस जिला में, मुझे उम्मीद है कि हम लोग कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद प्रकोष्ठ के जिला मनोज यादव और विधायक विश्वनाथ पड़ियाल ने जिला कार्यकारिणी और मंडल पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया। कुलदीप सिंह कक्षा ब्लॉक, लाल बाबू प्रसाद दुर्गापुर टू रेसिडेंट, लाल बाबू प्रसाद संजय कुमार सुमन दुर्गापुर वन, अपना परिचय दे दीजिए। दिनेश यादव दुर्गापुर तीन ब्लॉक थ्री, प्रदीप सिंह अंडाल, दयाशंकर राय रानीगंज टाउन, किशोर सिंह पांडवेश्वर, श्रीराम सिंह लाउदुआ, उदीप सिंह जमुरिया टू, संतोष प्रसाद साहु जमुरिया वन, रामानंदन माझी बाराबली। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे रोज नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस इसमें आगे दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरे को आगे रखकर तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है और इसलिए इस बार एक नया नारा दिया गया है, बांग्ला निजेर मेकेई चाय, यानी बंगाल अपनी लड़की को ही चाहता है। आसनसोल के बीएनआर मोड़ के निकट तृणमूल भवन में एक बैठक हुई जिसमें एक बोर्ड पर लिखे इस नए नारे का तृणमूल कांग्रेस नेता अभिजीत घटक ने अनावरण किया। बैठक में इस नारे की खूब गूंज हुई। बाद में घटक ने मीडिया से कहा कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगी, भले बीजेपी जो कुछ कर ले। देखो, हमरा शांतिप्रिय दल
আমাদের কর্মীরা শান্তি চাই এবং সেটা আমরা 2011 সালেই বুঝিয়ে দিয়েছি। যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান দিয়েছিলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেস স্লোগান দিয়েছিলেন যে বদলা নয় বদল চাই, আজকে কিন্তু ও 34 বছর বামফ্রন্টের অত্যাচার হওয়ার পরে বামফ্রন্টের নেতারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন এই গত 10 বছর। তাই মারপিট বা অন্য ধরনের কোনো ব্যাপারে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেস থাকে না, আমরা মানুষের ভোটেই জিতব, গণতান্ত্রিকভাবেই জিতব এবং আমরা মানুষের যে উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন সেই উন্নয়নকে সামনে রেখেই আমরা জিতব। তো খেলা তো হবে, কিন্তু খেলাতে কি হবে বলে দিলাম তো, খেলা হবে বিজেপি গোল খাবে, বিজেপি হারবে, তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবে। तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर मंगलवार को आसनसोल में जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस की परिवहन यूनियन की तरफ से यह जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व यूनियन नेता राजू अहुवालिया ने किया। जुलूस में शामिल परिवहन कर्मचारी लगातार नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन यह नारेबाजी महंगाई को लेकर न होकर चुनाव को लेकर हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में जगह जगह तृणमूल नेताओं द्वारा लगाए जा रहे खेला होबे यानी खेल होगा नारे खूब जोर लगाए गए। जब जुलूस बीएनआर मोड़ पहुंचा तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतले फूके गए। साथ ही फिर से खेला होंगे नारे जोरदार तरीके से लगाए गए। तृणमूल कांग्रेस के परिवहन यूनियन के नेता राजू अहुवालिया ने कहा कि पूरे बंगाल के साथ ही आसनसोल शिल्पांचल में भी चुनाव के दौरान खेल होगा और मुख्यमंत्री फिर से ममता बनर्जी बनेगी। खेला हमें पश्चिम बंगाल मानुष खेल बीजेपी बाहरी थे लोग नहीं ऐसे प्रत्येक जगह बड़ा बड़ा कथा बोलते ना शुभेंदु अधिकारी अरे जार बाबा के एमपी करे जार एक भाई के एमएलए करे अनेक अनेक बोर्ड हो एतगुलो दफ्तर थकाकालीन एत पद पवार पर जो को तृणमूल है ना কারোর হবে না। আর আজকে ও যে স্বপ্ন দেখছে কয়লা মাফিয়া লোহা মাফিয়া চোরদেরকে ঝান্ডা ধরিয়ে দেখাচ্ছে বিজেপি জয়েন করছে, মানুষ দেখছে কে জয়েন করছে, সাধারণ মানুষ জয়েন করছে না, শ্রমিক নেতা জয়েন করছে না, ভালো নেতা কেউ জয়েন করছে, অনেস্ট নেতা কেউ জয়েন করছে না, যাদেরকে মানুষ চিনে না তাদেরকে ঝান্ডা ধরিয়ে দিচ্ছে আর বাইরে থেকে টাকা কোটি কোটি টাকা খরচা করছে, এদিকে মানুষকে মারছে, ডিজেলের দাম 84 টাকা 76 পয়সা 85 টাকা 92 টাকা, পেট্রোল রান্নার গ্যাস প্রতিদিন যে খাওয়ার জিনিস আপনি দেখুন কি অবস্থা আছে, মানে মানুষকে নাজাল করে দিয়েছে করোনা ভাইরাস মেরে দিল কিছু করলো নাই। जयश्री टेलीकॉम एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है, सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा, तो देर न कीजिए तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए, हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें, आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। बर्नपुर की 8 नंबर बस्ती की ग्रीन वैली में एक घर में आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसको कर्मी मानिक चंद्र माझी के घर में धुआं उठता देखा। पड़ोसियों ने मानिक के रिश्तेदारों को घटना के बारे में जानकारी दी। इस बीच पुलिस और दमकल विभाग को भी सूचना दे दी गई। बताया जा रहा है कि मानिक चंद्र माझी घर में अकेले ही रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी और परिवार के लोग दूसरे घर में। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग के एक इंजन के साथ पहुँचे दमकल कर्मियों ने घर में लगी आग को जल्द ही बुझा दिया। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आग कैसे लगी इस संबंध में परिवार के लोग ठीक ठीक नहीं बता पा रहे हैं। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, अभी बाड़ी छिलाम, आमाके फोन करलो अजित,
বলল যে এই নিউটন গ্যারেন্টি বিলটিতে আগুন লেগেছে, আমি থানায় ফোন করি, এমনকি ফায়ার ব্রিগেডের খবর দিই, খবর দিয়ে আমি এখানে এসে দেখলাম যে আগুন জ্বলছে, পুলিশ পুলিশের কাজ করছে, ফায়ার ব্রিগেড ফায়ার ব্রিগেডের কাজ করছে। এই দেখুন হ্যাঁ তাই তো শুনছি, হ্যাঁ তো মানে ওনাকে আবার একটা কিছু শোনা যাচ্ছে যে ওনারা নাকি একটু মানসিক ভারসাম্য, হ্যাঁ হতে পারে হতে পারে হতে পারে, কেননা মানসিক ভারসাম্যহীন না হলে ছেলেও থাকে না বাড়িতে, মিসেসও থাকে না, মানে আমার কাকিমা আছে সম্পর্ক পাড়া সম্পর্ক। উনি কোথায় কাজ করেন? বানপুরে আপনি দেখলেন সব কিছু দেখলেন তো, আমি তো ভিতরে ঢুকিনি, গ্যাস গ্যাসে বের চলে এলাম। इधर पड़ोसी मानिकचंद माझी के संबंध में कई सारी बातें कर रहे हैं, उनके दिमागी हालात को लेकर भी वे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि परिवार वाले नहीं करते हैं, पड़ोसियों ने तो यहां तक कहा कि उसने खुद ही आग लगा लिया है। उनकी कारण है किसे जो আমার পাশে বাড়ি আছে, ধোঁয়া উঠছে, আমরা জানতে পারবো না? আপনারা পুলিশকে খবর দিন না? আমরা পুলিশকে খবর দিই না, দেখলাম এর ছোট ভাই কই আছে, ওর ছোট ভাই ভিতরে আছে, দেখুন কথা বলুন ওনার সঙ্গে, ওনারা বলতে পারবে। Subscribe to my channel and also press this bell icon. जहां आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाला, वहीं कुल्टी में कांग्रेस द्वारा एक जुलूस कुल्टी स्टेशन से लेकर केंदुआ बाजार तक निकाला गया। जुलूस में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। जुलूस का नेतृत्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती, कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंडी चटर्जी ने किया। केंदुआ बाजार में जुलूस खत्म होने के बाद एक सभा भी की गयी। पेट्रोल और डीजल दाम দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তাতে কোনো ভূমিকা নেই, উত্তর উত্তর বাড়ছে এবং যেভাবে রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে, সাধারণ মানুষ আজকে তাদের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। আমরা তাই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার এই দুটো যে নৈরাজ্যের সরকার, যারা লুপ্তরাজ্যে রাজত্ব করছে, যাদের সময়ে কৃষক থেকে শ্রমিক সকলের প্রাণ অষ্টাগত, ঘরের মা বোনেদের আজকে যারা রান্না করে তারা রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে তারা যেমন প্রতিবাদ করছে। बानपुर मरवाड़ी युवा मंच को अतुल गुप्ता के तौर पर नया अध्यक्ष मिल गया है। सोमवार को बानपुर के पुराना हाट स्थित मरवाड़ी युवा मंच के कार्यालय में औपचारिक चुनाव हुआ, जिसमें अतुल गुप्ता को बिना किसी प्रतिद्वंदिता का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी और ने नामांकन नहीं किया था, जिसकी वजह से चुनाव अधिकारी अरुण अग्रवाल ने अतुल गुप्ता को मंच का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। अध्यक्ष चुने जाने पर मंच के सदस्य ने अतुल को शुभकामनाएं दी। नए अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में अपनी नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे।